आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कार्यक्रम में शामिल 28 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की मौजूदगी में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की। साथ ही शिक्षा को तकनीकी बनाने और परीक्षा को नकलविहीन कराने पर भी जोर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने परीक्षा परिणामों को 15 जून तक घोषित करने के निर्देश भी जारी किए। कुछ विश्वविद्यालयों में बिल्कुल पैसा कैश में कभी लेके जाना ही नहीं पड़ता है, इतनी व्यवस्था हुई है। और यह भी तय हुआ है कि परीक्षाओं के जो परिणाम आएंगे वो ऐसी व्यवस्था होगी कि परिणाम के साथ ही साथ जो मार्कशीट होता है वो विद्यार्थियों को तुरंत मिले, और जब दीक्षांत समारोह होगा उस समय पर डिग्रीज भी उनको समय पर मिले। कुछ अधिनियमों में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और वो अधिनियम बनाने के लिए जो कमेटी थी वो कमेटी के रिपोर्ट सरकार के पास भेजे गए हैं, और आने वाले दिनों में सरकार उसके बारे में निर्णय करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन्नाव में मां शक्ति योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हेल्थ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी और अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने स्वास्थ्य कार्यों पर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि नई सरकार आने के बाद इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अमरोहा में 176 मुस्लिम और हिंदू युवक युवतियों की शादी संपन्न कराई गई। इस समारोह में आए सांसद कंवर सिंह और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब को बेटी की विवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मेरठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 85 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे डीएम और सांसद सहित विधायक ने सभी नवदंपतियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान सभी दुल्हनों को इस बात की भी खुशी थी कि विवाह के बाद उनके ससुराल में टॉयलेट भी बने हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कई जगह टॉयलेट और साफ सफाई को लेकर संदेश भी लिखे हुए नजर आए। यूपी में बोर्ड की परीक्षाओं में की जा रही सख्ती के चलते परीक्षा के दौरान एक इंटर की छात्रा की तबीयत खराब हो जाने का मामला सामने आया। दरअसल जौनपुर से सटे प्रतापगढ़ के एक इंटर कॉलेज में द्वितीय पाली के दौरान हिंदी की परीक्षा देने आई छात्रा डिप्रेशन का शिकार होकर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे सीएससी में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं तबीयत बिगड़ने के कारण छात्रा अपना एक अन्य पेपर भी नहीं दे पाई। शाहजहांपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को छानबीन में एक पत्र बरामद हुआ है, जिसमें उसने मारपीट कर परेशान करने और किसी भी अनहोनी के लिए अपने पति सहित ससुराल के चार लोगों को जिम्मेदार बताया है। वहीं सूचना पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने दहेज और गाड़ी की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति और सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस और क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल पंप पर खड़ी कार से 1,54,00,000 रुपए बरामद किए। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को भी हिरासत में लेकर इनकम टैक्स अफसरों के हवाले कर दिया, जिसके बाद अफसरों ने मामले की जांच करते हुए एक सराफा व्यापारी के बयान दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वाराणसी घूमने आए ब्रिटेन के एक दंपति को उस वक्त संकट का सामना करना पड़ा जब युवक की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दरअसल महिला मां बनने वाली थी, जिसके चलते युवक उसे एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही, लेकिन युवक के असमर्थ होने पर एक ऑटो चालक ने उनकी मदद करते हुए दंपति को काशी विद्यापीठ स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है। वाराणसी में बीएचयू के एक अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में 5 नीडल छोड़ दिए, जिसके 6 महीने बाद मरीज ने हालत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंच एक्सरे कराए तो डॉक्टर की लापरवाही उजागर हो गई। वहीं अपनी गलती देख डॉक्टर ने मरीज को धमकाया और इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया, जहां डॉक्टर ने 2 नीडल निकालने के बाद मरीज को अस्पताल से भगा दिया, जिसके बाद अब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। कुशीनगर के गगुआ मठिया गांव से एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां एक युवक और युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। वहीं युवक का आरोप है कि शादी के बाद किशोरी के परिजन सामाजिक तौर पर निकाह कराने का वादा कर किशोरी को घर ले आए और उसकी हत्या कर शव को दफना दिया, जिसके बाद युवक से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाल कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरदोई में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड सहित एक अन्य आदमी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने गलत साइड में घुसकर पुलिसकर्मी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई जिससे दो पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान एक गाय भी इस हादसे का शिकार हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हरदोई के जिला अस्पताल में मरीजों के उपचार में की जा रही लापरवाही की वानगी उस समय देखने को मिली जब अस्पताल के एक्सरे विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पर तैनात कर्मी रेडियोलॉजिस्ट की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज करते हुए नजर आया। वहीं अब इस मामले को लेकर सीएमएस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कोरिया में बैकुंठपुर के जिला स्तर न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने लोक अदालत की प्रक्रिया और कार्यों के बारे में संतोष जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में न्यायपालिकाओं में अच्छा नतीजा दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। If they don't have confidence in the courts, definitely they will go to antisocial people to get the problems solved. But the fact that in Chhattisgarh the litigations are also being filed fairly well, it shows that the people have the confidence in the courts. And courts by and large are now carrying out their activities in a proactive mode, whereby judiciary and legal service system through the legal service authority are reaching out to the people in need to deeper areas. And it is like taking justice to the doorsteps of the people. आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।